हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 7 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 3% से भी ऊपर की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 223 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में ऊपर में एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक के अंदर एक टॉप बना था 272 रुपीज का। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा क्योंकि 272 रुपीज का स्टॉक में एक डबल टॉप बॉटम बना। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने 235 रुपीज का नीचे के एक सपोर्ट लेवल बनाया, जहां से स्टॉक में थोड़ा सा एक अपसाइड उनको बनता हुआ नजर आ रहा है। 247 रुपीज का स्टॉक ने हाई लगाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में फिर से एक गिरावट देखने को मिली, जहां पर 170 रुपीज का स्टॉक ने एक लोअर सर्किट लगाएगा और यहां पर स्टॉक के अंदर एक बॉटम बनने के बाद निचले लेवल पर स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला और स्टॉक थोड़े टाइम रेंज बोन में ट्रेड करता रहा। अब ऊपर में स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है 234 रुपीज, क्योंकि 234 रुपीज स्टॉक का पिछला सपोर्ट लेवल है। अभी स्टॉक अगर एक बार इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा, पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। स्टॉक में जो नीचे का फिर सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 215 रुपीज पर, 215 रुपीज पर इस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें अराउंड 8 रुपए नीचे और ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।